श्रीदेवी के निधन के कुछ ही दिनों के बाद बॉलीवुड की फेवरेट आंटी शमी आंटी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दुखद समय में बॉलीवुड के तमाम छोटे बड़े कलाकार उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आखिर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में शमी का काफी योगदान रहा है, लेकिन आइए जरा जानते हैं कैसा था शमी का ये सफर। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। शमी का जन्म मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। तब उनका नाम नरगिस रबाड़ी रखा गया था। वो महज 3 साल की थी जब उनके पिता चल बसे। इसके बाद अपने परिवार का गुजारा करने के लिए उन्होंने पारसी समाज के कार्यक्रमों में अपनी माँ के साथ खाना बनाना शुरू किया। शमी की बड़ी बहन भी थी जिनका नाम नीना रबाड़ी था। पेशे से वो एक फैशन डिजाइनर थी। शम्मी ने 30 साल की उम्र में फिल्मकार सुल्तान अहमद से शादी कर ली, लेकिन 7 साल के बाद ही इन दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। शमी जब 18 साल की थी तब उन्हें फिल्मों में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। 1949 में उनकी पहली फिल्म उस्ताद पेट्रो साइन की। इस फिल्म में वो सेकंड लीड एक्टर के रूप में नजर आई। वहीं पर मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पर उन्होंने पहली फिल्म साइन की थी मल्हार। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई, कुछ कमाल नहीं किया, लेकिन इन फिल्मों के साथ शमी की एक्टिंग की हर तरफ प्रशंसा होने लगी। जानकारी के मुताबिक उस समय बॉलीवुड में पहले ही एक नरगिस मौजूद थी। ऐसे में उन्हें अपना नाम नरगिस से बदलकर शमी रखना पड़ा। इसके बाद से ही ये नाम इंडस्ट्री में उनकी पहचान बन गया। मल्हार की शूटिंग के समय नरगिस से उनकी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। दिलीप कुमार और मधुबाला की फिल्म संग दिल में शमी को कास्ट करने के लिए नरगिस ने ही उनकी मदद की थी। इसके बाद से शमी का फिल्मी करियर परवान चढ़ने लगा। शमी ने बॉलीवुड के कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया। वो एक एक्सपेरिमेंटल एक्टर की तरह थी जिन्होंने न सिर्फ लीड एक्टर के रूप में बल्कि कॉमेडी और नेगेटिव रोल में भी अपनी खासा पहचान बनाई। इसके कुछ समय बाद उन्होंने अपनी सारी फिल्मों में माँ का किरदार निभाना शुरू कर दिया। इनमें खुदा गवाह, स्वर्ग, कुली नंबर 1 और हम साथ साथ हैं जैसी फिल्में शामिल हैं। अपने 60 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने कई सारे टीवी शोज में भी काम किया। टीवी सीरियल देख भाई देख में उनके किरदार को कोई भूल नहीं सकता। उसके अलावा जबान संभाल के, श्रीमान श्रीमती, कभी ये कभी वो और फिल्म चक्कर जैसे शोज जिनमें शमी का अभिनय दमदार पहचान बनाता गया। शमी आखिरी बार 2013 में नजर आई थी फराह खान की फिल्म शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी मैं। इस फिल्म में बोमन ईरानी के दादी के किरदार में नजर आई थी। फिल्मी जगत में शमी आंटी नाम से वो इसीलिए लोकप्रिय हुई क्योंकि उन्होंने फिल्मी करियर में ज्यादातर बुआ, मौसी, चाची, मामी, दादी, नानी जैसे कैरेक्टर प्ले किए। लेकिन बीते लंबे टाइम से शमी आंटी बीमारी से जूझ रही थी और इसी की वजह से सोमवार की देर रात उनका निधन हो गया। उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। अभी बॉलीवुड जगत श्रीदेवी के शोक से ही नहीं उभर पाया था कि उन्होंने एक और उम्दा कलाकार शमी आंटी को खो दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।